as days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. मेरा नाम है जसप्रीत। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक मिक्सर ग्राइंडर के बारे में, जो कि हेवेल्स ब्रांड की है, जिसका नाम है साइलेंसियो। ये साइलेंसियो जो इसका नाम है, इसकी खासियत ये है कि ये साइलेंट वर्क करता है, ठीक है। ये 500 वाट की मोटर के साथ आएगा, जो कि दूसरे मिक्सर ग्राइंडर से अपग्रेड मॉडल है। मतलब इसका खुद का ही जो दूसरे मॉडल्स आते हैं नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर, उसका अपग्रेड मॉडल है। इसमें पहले तो मैं ये बताऊंगा कि चार जार मिलेंगे आपको, जिसमें एक चटनी जार मिलेगा, एक नॉर्मल हल्का चॉपिंग जार मिलेगा, एक आपको शेकर मिलेगा, और शेकर के साथ जो जूस वाले थोड़े से हमारे जैसे वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, उसके लिए अलग से जार मिलेगा। जैसे कि पहला जार आपको ये मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं चटनी जार है, जिसमें ड्राई ग्राइंडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील यूज़ हुआ है, ब्लेड्स काफ़ी शार्प हैं इसमें, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ब्लेड्स हैं। दूसरा जार इसमें यह है, जिसमें आप टमाटो वगैरह चॉप कर सकते हैं, अनियन वगैरह चॉप कर सकते हैं, ठीक है। पालक वगैरह आपको चॉप करनी है वो आप चॉप कर सकते हैं। तीसरा जार इसमें मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल शेकर है, जिसमें आप चीकू शेप, लस्सी या मैंगो शेप कुछ भी बना सकते हैं। इसमें भी अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील यूज हुआ है, और ये सारे के सारे जार ना एयर टाइट के साथ हैं। आपको इनको यूज करने से पहले लॉक करना पड़ेगा। और इसका जो फोर्थ जार है, इसका फोर्थ जार आएगा, वो भी एक तरीके का शेकर ही है, जिसमें अलग से ये एक अटैचमेंट मिलेगी। नॉर्मली अगर आपको जैसे कि मौसम्बी का जूस बनाना है या टमाटो प्यूरी निकालनी है, आपको इसको इस तरीके से लगाना है, इसको आपको बंद करना है, और ये ऊपर से आपको जो हल्का सा नोजल दिया हुआ है या जगह दी हुई है, जहाँ से आपको पीसेस गिरने हैं टमाटो के या मौसमी किसी के भी जूस आपको बनाना है, ठीक है। आपको जब तक ये तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक आप इसको पूरी तरीके से लॉक नहीं करेंगे। ये इस तरीके से जब तक लॉक नहीं होगी तब तक ये वर्क नहीं करेगी, ठीक है। ये आपको इसमें पूरा का पूरा ना टच पैनल दिया हुआ है, ये आप टच पैनल देख सकते हैं। इसमें मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा, ग्राइंड का ऑप्शन मिलेगा, ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, और एज सेम एज अपने माइक्रोवेव में, जैसे कि आप टाइमर सेट करते हैं, ठीक है, ग्रिलिंग के लिए या रीहीटिंग के लिए, उस तरीके का प्लस माइनस का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपने मिनट्स और सेकंड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। साथ ही में आपको ऑफ, लो और हाई इसमें रेंज मिलेगी इसकी स्पीड्स की, ठीक है। नॉर्मल आपको पता है कि अगर आपने रस्सी बनानी है तो एक ही स्पीड आपको चाहिए, तो नॉर्मल ये पल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट आप इसको पल्स पे ले जाके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट में इसकी वैल्यू वैसे 15 से 16 हज़ार रुपये है, जो कि 15 से 16 हज़ार रुपये की रेंज में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसके साथ आप जा सकते हैं, 6 से 7 लोगों की फैमिली मेम्बर्स है, उसके लिए ठीक प्रोडक्ट है। और 500 वाट की इसमें मोटर मिलेगी, काफ़ी हैवी मोटर है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया 4000 के साथ है, मार्केट में अच्छे रिव्यूज हैं, और इसका मॉडल है साइलेंसियो, जो हेवेल्स ब्रांड की तरफ से है। चारों के चारों जार हैंडल के साथ आएंगे। हालांकि आप दूसरे ब्रांड के किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में आप देखते हैं, जो चटनी जार होता है उसके साथ हैंडल नहीं मिलेगा। इसके साथ आपको बहुत हैवी ग्रिप मिलेगी, ठीक है। और चारों के चारों जार के जो लिड हैं वो एयर टाइट मिलेंगे। अगर नॉर्मली आप ड्राई ग्राइंडिंग कर रहे हैं, वेट ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो आप इसको सिर्फ एडजस्ट करके, पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली इसको आराम से एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे भी ना आपको एडजस्टमेंट दी हुई है, जो आप अपने किचन के शेल्फ में अगर आप रखते हैं तो ये इधर से उधर वाइब्रेट नहीं होगी, ठीक है। ये एक जगह एडजस्ट हो जाएगी, इसको पकड़ने की भी जरूरत नहीं है आपको सिर्फ इसको नॉर्मली यूज़ करना है।